हे गाइस, देखो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा ध्यान आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ने पे ध्यान दें, क्योंकि आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, आप चाहो तो लखपति से करोड़पति भी बन सकते हैं, सीधा बोल रहा हूँ, या तो फिर आप करोड़पति भी बन सकते हो, सारा पैसा जीरो खत्म भी हो सकता है, या तो आप फंस सकते हो, बर्बाद हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को यहाँ पर मैं रोक के रखा हूँ ताकि आप डिस्क्लेमर पूरी तरीके से दिमाग में एक एक माइंड उगा लें। ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि अगर कल के डेट में पैसा आएगा तो भाई आपके अकाउंट में आएगा, अगर लॉस आएगा तो मेरे अकाउंट में आएगा, तो आप समझो भाई, ठीक है? आपका रिस्क, आपका रिवॉर्ड। टोटली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीधी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम मुझे ये चीज़ जो है 5 मंथ से भी ज़्यादा ढूंढते 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 ढूंढते, मतलब 5 महीने लग गए, लेकिन जाकर मिला। एक उम्मीद की किरण जगी है यहाँ पर, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो पूरे 5 महीना मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक मिला है, प्रोमेट्स इम्पैक्ट्स। केवल 7 रुपये के बाजू में ये स्टॉक देखने को मिला, ठीक है? प्रोमेट्स इम्पैक्ट्स। और ये आज तक ये स्टॉक चला नहीं, 2006 से ये स्टॉक अभी तक नहीं चला, अब ये चलना स्टार्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बनने के लिए ना यहाँ पर चिल्लर नहीं, नोट की गड्डी बनेगी। गड्डी समझते हो ना, मतलब गड्डी होते हुए पैसों की गड्डी होती है, उस तरीके से पैसा बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। मैं आपको इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है? पेशेंस अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया की कोई भी ताकत इस्तेमाल कर लो लेकिन पैसा नहीं बनेगा, ठीक है? पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हो, केवल बहुत छोटा स्टॉक है, बहुत का मतलब बहुत ही छोटा स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया है। मैं आपको सामने से चैलेंज कर सकता हूँ, इतना छोटा स्टॉक आप लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। लोग बोलेंगे, सर 7 रुपये का शेयर, भाई पूरे 5 महीने लगे हैं ऐसे स्टॉक को ढूंढने के लिए, 7 रुपये का स्टॉक नहीं है ये, ठीक है? इसको बोलते हैं ब्लाइंड। आप ब्लाइंड हो, आपको पता नहीं है कि ये कितने रुपए का शेयर है, क्या है क्या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आज तक इतना छोटा स्टॉक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ठीक है? तो ये केवल जो है 5 करोड़ की कंपनी, केवल 5 करोड़ की कंपनी, इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ, डूब सकता है पैसा आपका, खत्म हो सकता है, जीरो हो सकता है, आप फंस सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको पैसे, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ लगाने के लिए, पैसा नहीं लगाना है, ठीक है? क्योंकि भाई जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपका होगा, तो भाई मैं क्यों बीच में जाऊँ बलि का बकरे बनने के लिए, ठीक है? तो बहुत छोटा, 5 करोड़ की कंपनी, इतना छोटा आप लोगों ने पेनी स्टॉक देखा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा आज तक, मैं साफ साफ आपको बोलना चाहता हूँ। ये कंपनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए काम करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लाती है, लेकर जाती है और एक दूसरे देशों में ले जाकर बेचती है, ये सारा काम ये कंपनी करती है। और एक नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, एग्रो, कॉमोडिटी, मिनरल्स, ये सभी चीज़ के लिए कंपनी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करती है। यहाँ आपको कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल बताया जा रहा है, देख लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है? और जो इसके यूज़र आपको बताया जा रहा है, यूज़र्स कहाँ कहाँ, फर्टिलाइज़र, केमिकल, सीमेंट, पॉलीमर, टेक्सटाइल, मशीनरी, ऑटोमेटिक, मतलब हर जगह, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये जितने भी सेक्टर हो जाते हैं वहाँ तक ये कवर करने की कोशिश करती है, सारे सेक्टर में। और इसमें से अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रोइंग स्टेज पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इनके प्रमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ाया है, पिछले मतलब समझो कि 15 से 18 सालों के बाद प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाया है, इतने सालों के बाद प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाया है। ये मार्च तो गया, लास्ट क्वार्टर था, करंट क्वार्टर, ठीक है? जून में अगर यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा 38.99 था, अभी देखिए 39% हिस्सेदारी हुआ, थोड़ा सा ही बढ़ाया गया है, लेकिन बढ़ाया गया है थोड़ा सा ही। इसके यहाँ पर भी देखोगे 38.87, 38.99, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन बढ़ाया गया। यहाँ पर भी 38.72, यहाँ पर देख रहे 38.87 बढ़ाया गया। हर बार यहाँ पर हिस्सेदारी 3-4 क्वार्टर से ये लोग जो है प्रमोटर्स धीरे धीरे करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी ये लोग बढ़ा रहे हैं, और बाकी सब पब्लिक के पास है। कभी भी स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है, ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ पर ऑपरेटर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर, अगर मान लेते हैं किसी ऑपरेटर ने अगर मार्केट में केवल 10 मिनट भी काम किया ना, तो वो भी ऐसे स्टॉक का काम तमाम कर सकता है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है। कंपनी इंटरेस्ट और रेंट से भी पैसा कमाती है, ठीक है? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी मर्जी है भाई, पैसा डूब सकता है, खत्म हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, क्योंकि कंपनी देख लीजिए, 2-2 लाख का तो कंपनी ने केवल सेल्स से किया है भाई, केवल 2-2 लाख का। और देख लीजिए, 2 लाख का तो कंपनी खुद ही सेल्स कर रही है, क्या देगी प्रॉफिट? अभी मार्च में अगर देखोगे तो लास्ट मार्च में कंपनी ने 1.45 मतलब 1.5 करोड़ का कंपनी ने सेल्स कर दिया। 2 लाख से 1.5 करोड़, कितने परसेंट का जंप आया है,
कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, पहली चीज़। और बहुत बड़ा एक्सपर्ट है तो ही कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, ऐसा है। जिसमें से ये कंपनी हमेशा, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लॉस में रहता था, 93% तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। भाई 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा कंपनी ने तो 93 रुपीज़ कंपनी ने खुद के पास रखा है। और पहली बार कंपनी ने 1.18 करोड़ 20 लाख रुपया अराउंड कमाया है कंपनी ने, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है लास्ट क्वार्टर में, आपको बताया गया। पीएनएल अकाउंट में अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से कंपनी जो है केवल लॉस 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 है। तो इस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत छोटी कंपनी है।